हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हुआ, एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 3:10। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 220 meters। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें स्क्वायर का एरिया पता करना है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ड्रा कर लिया। जो एरिया होता है उसकी सभी साइडें बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। और एक इन्होंने यहाँ पे सर्कल का मैंने मेंशन किया, वो मैंने सर्कल ड्रा कर लिया। इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे सर्कल का जो डायमीटर है और जो स्क्वायर का साइड है, स्क्वायर का साइड और सर्कल का डायमीटर का रेशो बता दिया। मतलब स्क्वायर का साइड क्या ए हो गया, सर्कल ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का डायमीटर मैंने यहाँ पे बी लिख लिया। जो डायमीटर रहता है दोस्तों, जो आर का डबल होता है, मतलब सेंटर में से क्रॉस करते हुए एक साइड से दूसरी साइड जाता है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो ए रेशो बी कितना है, 3:10। ये ऑलरेडी रेशो दिया हुआ है। हमें क्या पता करना है दोस्तों, हमें पता करना है इसका स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, ए इंटू ए होता है। तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू पता करनी है। तो ये जो रेशो में दिया हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल टू 3:10 और ए इज इक्वल टू 3b/10। ठीक है दोस्तों, हमें तो ए पता करनी है। हम ए के ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे भाई, ए कैसे पता चले। तो ए कैसे पता चलेगी, ए बराबर है किसके, 3b/10 के, ठीक है दोस्तों। अभी हमें ए पता चल गया कि ए है 3b/10, लेकिन इसमें बी आ गया। अभी हमें यहाँ पे बी निकालना होगा। बी पता चल जाएगा तब हमें ए पता चल जाएगी, ठीक है दोस्तों। बी क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है दोस्तों। तो बी इज इक्वल टू 2r। बी क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, रेडियस हाफ तक रहता है और रेडियस का डबल होता है वो बी। अभी हमने इसको r में क्यों लेके आएगा, क्योंकि इन्होंने हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस के फार्मूले से हम r निकाल लेंगे। तो बी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2r। तो 2r हो गया। इन्होंने हमें ऑलरेडी सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है सर्कल का, क्या दिया हुआ है, 220। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला रहता है 2πr, 2πr इज इक्वल टू 220 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 2r की वैल्यू निकालेंगे। 2r क्या हो जाएगा, ये पाई नीचे चला जाएगा दूसरी साइड, पाई की वैल्यू क्या रहती है, 22/7। तो 220/22 और ये 7 नीचे है तो ऊपर चला जाता है। तो ये पूरा कट करने के बाद इसका वैल्यू 17 आ जाता है, किसका, 2r का। 2r क्या है, b। तो बेसिकली हमें यहाँ पे b का वैल्यू मिल जाता है, b का वैल्यू मिल गया। तो अभी हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू कैसे आ जाएगा, जैसे जो अपने हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी उसमें a b का वैल्यू डाल के a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3 × b का वैल्यू कितना, 70 है, 3 × 70/10 इज इक्वल टू, ये पूरा कट करके कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ए का वैल्यू आ गया हमारे पास। अभी हमें इसका स्क्वायर का एरिया चाहिए। स्क्वायर का एरिया होता है a × a मीन्स a² हो गया 21 × 21, कितना हो गया, 441। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा। सिंपल था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।